एवरी वन वेलकम टू दैनल ऑफ के वी टीचर्स गिल्ड स्टूडेंट स्टडी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ वर्कशीट ऑफ क्लास फोर टी वी एस चैप्टर दी ऑफ अमृता ये चैप्टर हम लोग एनसीआरटी से पढ़ चुके हैं एनसीआरटी के क्वेश्चन आंसर भी हमने साथ साथ डिस्कस किए थे होपफुली चैप्टर आप सभी को क्लियर होगा अब आ रही है इस चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन करने के जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो इसमें हम के वी एस की एनसीआरटी बेस्ड वर्कशीट कवर करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ओके चैप्टर फोर द स्टोरी ऑफ अमृता सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है डैश वर अमृताज बेस्ट फ्रेंड्स अमृता के बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे पीकॉक्स एनिमल्स स्कूल चिल्ड्रन या ट्रीज ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है उसके जो बेस्ट फ्रेंड थे वो ट्रीज थे चिल्ड्रन ऑफ खेजड़ी प्लेस खेजड़ी के जो बच्चे थे खेजली के जो बच्चे थे वो क्या खेलते थे आपके ऑप्शन हैं हॉप स्कॉच एंड गुली डंडा इनसाइड देयर हाव होम घर के अंदर गेम खेलते थे इन द शेड ऑफ ट्रीज पेड़ों की छाया में गेम खेलते थे इन द विलेज प्ले ग्राउंड या गांव के प्ले ग्राउंड खेलते थे तो वो इन द शेड ऑफ ट्रीज पेड़ों की छाया में गेम्स खेला करते थे द किंग वॉन्टेड द ट्रीज टू बी कट बिकॉज राजा जो है वो पेड़ों को काटना चाहता था क्योंकि द वुड वॉज नीडेड फॉर हिस पैलेस उसके महल के लिए उसको लकड़ी चाहिए थी देवर वेरी ओल्ड पेड़ जो है वो बहुत बूढ़े हो गए थे ऑल देअर लीवस हैड फॉलन पेड़ों की सारी पत्तियाँ गिर गई थी इसी लिए द विलेज वर हिज एनिमीज गाँव के जो लोग थे वो उसके दुश्मन थे ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है उसको अपने महल के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी इसलिए वो पेड़ों को कटवा रहा था द विलेज प्रोटेक्टेड द ट्रीज फ्रॉम बींग कट बाय विलेज ने गांव के जो पेड़ थे उनको कटने से बचाने के लिए क्या किया स्नैचिंग अवे द वुड कटर्स एक्सेस उन्होंने जो वुड कटर थे लकड़ी काटने वाले थे उनकी जो कुल्हाड़ी थी वो छीन ली स्नैच कर ली रिक्वेस्टिंग द किंग किंग को रिक्वेस्ट किया हगिंग द ट्रीज ट्री को हग किया गले लगाया किलिंग द वुड कटर्स वुड कटर्स को मार दिया ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है दे हग द ट्रीज कि अगर पेड़ों को काटना है तो पहले आपको हमें काटना पड़ेगा द मोस्ट कॉमन ट्री दैट grew इन अमृताज विलेज वॉज द सबसे कॉमन पेड़ जो अमृता के गांव में होता था वो कौन सा था नीम खेजड़ी पीपल नन ऑफ these इसका आंसर है खेजड़ी और इसीलिए उसके गांव का नाम खेजड़ली पड़ा था प्लांट्स गिव give, give us प्लांट्स हमें क्या देते हैं ऑक्सीजन वुड फूड या फिर ऑल ऑफ these प्लांट्स से हमें ये सभी चीज़ें मिलती है डी ऑप्शन करेक्ट है इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इनफैक्ट इफ़ देर वुड बी नो ट्रीज देन दे विल बी नो अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा दे विल बी नो ऑक्सीजन दे विल बी नो एनिमल्स दे विल बी नो ह्यूमन बींग्स या फिर ऑल ऑफ दीज सही बात है कोई भी चीज नहीं होंगी पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी क्योंकि वही ऑक्सीजन जनरेट करता है ह्यूमन बींग्स भी नहीं होंगे एनिमल्स भी नहीं होंगे क्योंकि सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए नेक्स्ट है आपके ट्रू एंड फॉल्स पहला है अमृता एंड हिज कंपेनियन सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड ईयर्स अगो बिल्कुल करेक्ट है स्टार्टिंग में आपके चैप्टर में पहला ही सेंटेंस दूसरा आई थिंक ये है कि ये जो कहानी है सच की कहानी है और 300 साल पहले की कहानी है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है द एल्डर्स ऑफ खेजड़ी विलेज सेट दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन लिव विदाउट ह्यूमन्स वहाँ के जो लोग थे खेजड़ी के वो ये कहते थे कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना रह लेंगे ये भी ट्रू है उन्होंने कहा था कि वो हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम नहीं रह सकते द किंग टॉप द ट्री कटिंग वेन ही केम टू नो द स्ट्रांग फीलिंग्स ऑफ द विलेज किंग ने पेड़ों को काटना बंद कर दिया जब उसे पता लगा कि विलेजर्स की कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं पेड़ों के प्रति ये भी ट्रू है टुडे खेजरली विलेजेस अगेन लाइक अ डेजर्ट आज खेजरली जो गांव है वो एक डेजर्ट बन गया है फिर से एक रेगिस्तान जैसा ही बन गया फॉल्स हैं आज भी रेगिस्तान जहाँ पे हर जगह आपको रेत ही रेत दिखेगी खेजड़ली एक ऐसा गाँव है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है लीव्स ऑफ खेजड़ली खेजड़ी ट्रीज आर ईटन बाय एनिमल्स उसके पत्ते जो है वो एनिमल्स खाते हैं ट्रू है द स्टोरी ऑफ अमृता इज ए ट्रू स्टोरी बिल्कुल सही बात है एक सच की कहानी है नेक्स्ट है ब्लैंक्स ये ब्लैक्स विल करने हैं आपको वर्ड्स देख लीजिए ग्रास ट्रीज एंड एनिमल्स स्ट्रेंथ जोधपुर प्लांट्स एंड एनिमल्स रोम फ्रीली कैक्टस ओन बिश्नोईज ऑटम खेजली पहला क्वेश्चन है द बिश्नोई पीपल इवन टूडे प्रोटेक्ट आज भी जो बिश्नोई है वो किनको प्रोटेक्ट करते हैं दे प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही एनिमल्स नेक्स्ट क्वेश्चन द किंग लर्न अबाउट द विलेज रेस्पेक्ट फॉर जो किंग है उसको पता लगा कि वहाँ के जो लोग हैं बिश्नोईज वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं किन की ट्रीज एंड एनिमल्स की प्लांट्स एंड एनिमल्स की एक ही बात है ट्रीज एंड एनिमल्स वेन he विजिटेड द village, जब वो गाँव में विजिट करने के लिए आया इफ वी विजिट खेजली will टूडे वी विल फाइंड दैट without फेयर अगर आप आज खेजली गाँव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर जो एनिमल्स हैं दे रोम फ्रीली वो बिल्कुल आजादी से इधर उधर घूमते हैं ओके okay? कोई फेयर कोई डर नहीं है उन्हें अमृता ड्यूरिंग हर चाइल्ड हुड वॉन्टेड द ट्रीज टू गिव डैश टू हर अमृता जब छोटी थी वो चाहती थी कि जो पेड़ है वो उसको क्या दें वो उनको स्ट्रेंथ दे वो जाके उसको हक हाँ करती है और कहती है कि मुझे स्ट्रेंथ दो जितने स्ट्रांग तुम हो द डैश नियर ललिता स्कूल वॉज वॉल हैज़ नॉट बीन प्लांटेड बाई एनी वन द ग्रास जो घास uh, ललिता के स्कूल के बाहर उगी हुई थी वो किसी ने प्लांट नहीं की थी खेजरली विलेज इज़ लोकेटेड नियर डैश इन राजस्थान खेजरली विलेज जो है गांव ये जोधपुर के पास में है राजस्थान में जगह है जोधपुर उसके पास में है खेजरली नेक्स्ट द नेम ऑफ अमृताज विलेज इज़ अमृता के गांव का क्या नाम था खेजड़ली जो कि खेजड़ी ट्री के उस पर पड़ा था क्योंकि वहाँ पर खेजड़ी के ट्रीज़ होते थे अपार्ट फ्रॉम खेजड़ी ट्रीज डैश ऑल्सो ग्रोज इन डेजर्ट खेजड़ी ट्री के अलावा और क्या है जो डेजर्ट में उगता है ये है कैक्टस जिनको पानी कम चाहिए हो लीव्स उनकी जो है वो बहुत ही आपकी कांटो जैसी हो जाती है ओके okay? मैनी ट्रीज इन प्लांट्स डैश ग्रो ऑन देयर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं ट्रीज ऐसे विच ग्रो ऑन देयर ओन जो अपने आप ही उग जाते हैं कोई उनको उगाता नहीं है पीपल ऑफ खेजड़ली विलेज आर कॉल्ड खेजड़ली विलेज के जो लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं बिश्नोइज ये इंपॉर्टेंट है आपका बिश्नोइज ट्री शेड ऑल देयर लीव्स इन पेड़ जो है अपने सारे पत्ते किस मौसम में जो है उनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं ऑटम पतझड़ जिसे आप कहते हैं ऑटम ओके सो so, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स एसोसिएटेड विद अमृता एंड द स्टोरी ऑफ खेजड़ी विलेज नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है अमृता और खेजड़ी विलेज की विद द नंबर ऑफ ईच पिक्चर्स अगेंस्ट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इट हर पिक्चर के साथ आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड है वो बतानी है अमृता प्लेइंग ड्यूरिंग हर चाइल्ड हुड अमृता अपने बचपन में खेलते हुए इनमें कोई पिक्चर है ऐसी जिसमें अमृता अपने बचपन में खेल रही हो ये आई थिंक थर्ड पिक्चर है आपकी यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं एक बच्चा पेड़ के ऊपर भी चढ़ा हुआ है तो थर्ड पिक्चर नेक्स्ट अमृता किल्ड बाय वुड कटर किस पिक्चर में अमृता जो है उस वुड कटर ने उनको दे देवर किल्ड बाय देम तो ये फोर्थ पिक्चर है आपको दिख भी रहा है यहाँ पर अमृता और उसकी जो डॉटर्स थी उनको मार दिया गया था अमृता प्रोटेक्ट द ट्रीज़ फ्रॉम बींग कट अमृता ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए ये फिफ्थ पिक्चर में है यहाँ पर उसने जो है उनको हक कर लिया था ट्री को गले लगा लिया था कि पहले आपको मुझे मारना होगा अगर आपको पेड़ों को काटना है तो द विलेज एल्डर्स टॉकिंग टू द किंग गांव के जो बड़े लोग हैं वो राजा से बात करते हुए ये फर्स्ट पिक्चर आई थिंक इसमें राज दरबार लगा हुआ है शायद यहाँ पे लोग बैठे होंगे वो राजा से बात कर रहे होंगे ये फर्स्ट पिक्चर है लास्ट क्वेश्चन है आपका द किंग आस्ट वुड कटर टू ब्रिंग वुड राजा उनको कहता हुआ कि जाओ लकड़ी लेके आओ आई थिंक ये सेकेंड पिक्चर होगी आपकी ओके okay. आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं हु आर बिश्नोईज़ सो पीपल ऑफ विलेज खेजरली आर कॉल्ड बिश्नोईज़ जो खेजरली गांव के लोग हैं खेजरली उनको कह कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन When Amrita grew up, why did strangers visit her village? जब अमृता बड़ी हुई कुछ strangers अजनबी लोग उसके गाँव में क्यों visit करने आए थे तो वो आए थे to cut the trees पेड़ों को काटने के लिए As per the king's order. When Amrita hugged a tree, what did a woodcutter do before killing her? उस आदमी ने उसको मारने से पहले ही shouted and shouted and threatened her उसको डराया और चिल्लाया ताकि वो हट जाए लेकिन वो हट ही नहीं उसके बाद भी वाई डिड किंग वॉट डिड किंग नॉट बिलीव दैट पीपल लॉस देयर लाइफ बिकॉज ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स किस बात पे राजा को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि लोगों ने अपनी जिंदगी जो है पेड़ों के लिए कुर्बान कर दी दैट पीपल गेव अप देयर लाइफ फॉर ट्रीज ये राजा को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था गेव अप देयर लाइफ फॉर ट्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच एरिया इज खेजड़ी ट्री यूजुअली फाउंड किस एरिया में खेजड़ी ट्रीज यूजुअली मिलते हैं तो ये मिलते हैं डेजर्ट्स में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हाउ डिड हाउ डिड द डे ऑफ अमृता यूजअली बिगिन अमृता का जो दिन है वो कैसे शुरू होता था जनरली सो एवरी मॉर्निंग शी ग्रीट एवरी मॉर्निंग शी ग्रीट्स हर फ्रेंड्स ट्रीज़ वो अपने दोस्तों को सुबह सुबह मिलने जाती थी पेड़ों को उनमें से एक स्पेशल ट्री जो था एक चूज़ करती थी कोई भी देन शी पुट हर आर्म्स अराउंड देम विस्पर करती थी उनके कान में कि यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल मुझे भी थोड़ी स्ट्रेंथ दो तो ऐसे उसका दिन शुरू होता था लिस्ट टू रीज़न ड्यू टू विच द खेजड़ी ट्रीज़ कैन सर्वाइव इन वेरी पुअर कंडीशन दो रीज़न बताओ जिसकी वजह से खेजड़ी ट्रीज बहुत बेकार कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं सबसे पहले तो दे नीड वेरी लेस वाटर बहुत कम पानी की उनको जरूरत होती है उसके उसमें भी वो सरवाइव कर लेते हैं और सेकंड जो वुड है इसकी इट्स वुड आर नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स वुड को उसकी इंसेक्ट्स अफेक्ट नहीं करते इसीलिए भी वो बहुत पुअर कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं ओके हाउ वाज़ द विलेज फाइनली प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कटिंग ऑफ ट्रीज फाइनली पेड़ों को काटने के अगेंस्ट कैसे प्रोटेक्ट हुआ गांव जो है बाय किंग्स ऑर्डर किंग ने ये ऑर्डर कर दिया कि कोई भी यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा आज के बाद और कोई भी एनिमल को हार्म नहीं किया जाएगा डिड किंग्स मैन किल द विलेजर्स ऑफ खेजरली वहाँ के लोगों ने किंग uh, के लोगों ने खेजरली के जो गांव के लोग थे उनको क्यों मारा बिकॉज दे डू नॉट लेट देम कटिंग द ट्रीज because they were not letting them cutting the trees वो उनको पेड़ नहीं काटने दे रहे थे the trees and they have to cut the trees because it was king's order उनको काटना ही था क्योंकि वो राजा का order था okay next question इस चैप्टर से एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट मार्क का क्वेश्चन बन सकता है और वो है डिस्क्राइब द वेरियस यूज ऑफ खेजड़ी ट्री खेजड़ी ट्री के अलग अलग यूजेस बताइए क्या क्या है सबसे पहले तो जो खेजड़ी ट्री की बार्क है इट इज़ यूज फॉर मेडिसिन बार्क इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन बार्क दवाइयाँ बनाने के काम आती है हर एक पार्ट एक्चुअली इसका किसी न किसी काम का है सेकेंड जो इसका फ्रूट है वो कुक करने के काम आज आता है पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट बीन्स आती है इसके ऊपर और उनको लोग बनाते हैं और खाते हैं थर्ड इट्स वुड इट्स वुड इज नॉट अफेक्टेड बाय इसकी जो लकड़ी है वो इंसेक्ट से अफेक्ट नहीं होती है तो वो फर्नीचर बनाने के काम आती है इंसेक्ट्स फोर्थ uh, जो लीव्स आर ईटन बाय लीव्स आर ईटन बाय एनिमल्स एनिमल्स इसकी लीव्स पत्तियाँ खाते हैं एंड फिफ्थ चिल्ड्रन प्ले इन इट्स शेड उसकी जो छाया है प्ले इन इट्स शेड उसमें बच्चे खेलते हैं ओके okay? तो ये पांच यूजेस हैं आपके uh, खेजड़ी ट्री के कोई भी चार आप लर्न कर लीजिएगा अब आपके लिए कुछ जनरल क्वेश्चन है थिंक फाइंड एंड राइट सोचिए समझिए पता करिए और लिखिए मैंशन थ्री वेज इन विच वी कैन प्रोटेक्ट आर ट्रीज फ्रॉम बींग कट विदाउट अफेक्टिंग आर एवरी डेज लाइफ आप बच्चे हैं आप कैसे पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं सबसे पहले तो यूज पेपर वाइजली यूज पेपर वाइजली आप पेपर अननेसेसरली जो है फाड़ देते हैं डस्टबिन में फेंक देते हैं है ना तो वो नहीं करना है आप जानते हैं पेड़ों से ही पेपर बनते जितना आप पेड़ों वो उसको हार्म कर रहे हैं उतनी ही आप क्या कर रहे हैं पेड़ों को काटने के लिए और फिर और पेपर बनाने पड़ेंगे तो पेपर्स को वाइजली यूज करना है वेस्ट नहीं करना है पेपर को सेकेंड शेयर एंड डोनेट बुक्स आपकी जो बुक है अगर आप अभी फोर्थ क्लास में आ गए थर्ड क्लास की बुक किसी को दे दीजिए ओके okay, ताकि कम बुक प्रिंट हो कम पेड़ कटे और आप क्या कर सकते हैं अवेयर पीपल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज ट्रीज हमारे लिए बहुत जरूरी है ये लोगों को इसके बारे में बताइए ताकि वो उनको काटे ना ओके okay? ये तीन काम आप कर सकते हैं नेक्स्ट मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम अ ट्री फिल इन द नेम्स फिल द नेम इन द गिवन बॉक्स ओके छह चीज़ों के नाम लिखिए जो आपको पेड़ों से मिलते हैं सबसे पहले तो लकड़ी वुड जिससे आप फर्नीचर बनाते हैं आपकी पेंसिल बनती है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है सेकेंड फ्रूट Uh, खाने के लिए जो फ्रूट्स हैं पेड़ों से मिलते हैं मेडिसिन मिलती है आपको दवाइयाँ मिलती है बहुत सारी देन फ्लावर्स भी मिलते हैं डेकोरेशन के लिए फ्लावर से सेंट भी बनाया जाता है आपका ऑक्सीजन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके बाद रबर मिलती है आपको ट्री से पेपर मिलता है ट्री से है ना क्लोथ्स जो आप पहनते हैं ये भी पेड़ों से मिलते हैं क्योंकि कॉटन जूट ये सब पेड़ों से ही मिलेगी आपकी ओके okay? तो ये कुछ चीज़ें हैं विच वी गेट फ्रॉम ट्रीज जो कि आपको पेड़ों से मिलते हैं टी कॉफी सीरियल्स आपकी जो है जो आप खाते हैं दालें फूड वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों लिखी हैं यहाँ पर ओके okay? तो बहुत सारी चीज़ें आपको पेड़ों से मिलती हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है बानियन ट्री नेक्स्ट अ ट्री हैविंग हाई मेडिसिनल वैल्यूज एक ट्री जिसकी बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यूज है दैट इज नीम अ ट्री होज लीव्स आर यूज मेक रूफ हैट बास्केट्स एंड फैंस इसकी जो पत्तियां हैं वो हैट बनाने के बास्केट बनाने के फैन बनाने के काम भी आती है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी होती है।, है पाम ट्री पाम ताड़ का पेड़ जिसे आप कहते हैं अ ट्री कॉमनली सीन राजस्थान एक पेड़ जो कि कॉमनली आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा खेजड़ी द बिगेस्ट हर्ब विच लुक्स एज अ ट्री एक बहुत बड़ी हर्ब जो कि एक पेड़ जैसी लगती है ये है बनाना बनाना आप सोचेंगे कि पेड़ है लेकिन एक्चुअली में वो एक हर्ब होता है हर्ब श्रब्स आपने पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में और वो बिल्कुल पेड़ के जैसा आपका लगता है ओके चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट इज़ मेक अ क्लाज ऑफ पिक्चर्स ऑफ राजस्थान राजस्थान की ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है वहाँ के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या है फोक डांस कौन सा होता है चलिए मैं आपको बताई देती हूँ ट्रेडिशनल ड्रेस जो है पिक्चर्स आप अपने आप पेस्ट कर लेंगे ये है घाघरा चोली एंड ओढ़नी ओढ़नी और ये वुमेन के लिए मेन के लिए है कुर्ता धोती एंड टर्बन ओके नेक्स्ट इज म्यूजिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये है सारंगी आप कभी अगर जाएंगे तो लोग सारंगी आपने सेकेंड क्लास में भी पढ़ी होगी देखी भी होगी लोग बहुत बजाते हैं वहाँ पे सारंगी को फोक डांस राजस्थान में घूमर फेमस है घूमर और एक कालबेलिया भी है बट घूमर तो याद ही रखेंगे आप कालबेलिया कालबेलिया के बारे में आप फिफ्थ क्लास में डिटेल में भी पढ़ेंगे राजस्थानी फूड फूड होगा आपका दाल बाटी चूरमा ओके okay? नेक्स्ट प्लांट्स खेजड़ी कैक्टस ये हम देख ही चुके हैं कैक्टस एनिमल्स ऑफ डेजर्ट ये है कैमल जो है वहाँ पे एक ही एनिमल है जो काम करता है घर जो है यहाँ पर वो पक्के नहीं होते जनरली कच्चा हाउस बनते हैं मिट्टी के बनते हैं क्योंकि मिट्टी के जो घर है वो ठंडे रहते हैं और राजस्थान में आप जानते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है मड हाउसेस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कैमल कार्ट यूज़ किया जाता है क्योंकि कैमल यह जो डेजर्ट में रेत के ऊपर चल सकता है आराम से ओके तो ये कुछ चीज़ें आपको बता दी गई है याद रखिएगा अबाउट राजस्थान अबाउट आपका जो डेजर्टिक एरिया होता है इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको इंडिया के मैप में राजस्थान का है वो लोकेट करना आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी जनरली पूछ लिया जाता है देखिए इंडिया का मैप है और ये राजस्थान है ओके जो आपका अगर हम एरिया वाइज देखें तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा एरिया है स्टेट वाइज अगर आप देखें तो नंबर वन पे राजस्थान है ओके एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर होपफुली चैप्टर आपको क्लियर होगा बहुत सारी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी अपार्ट फ्रॉम चैप्टर जो आपने पढ़ा उसके अलावा भी दैट्स ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग